हेलो नमस्कार, भैन समाचार में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर, विभागीय परीक्षा को लेकर। सरकार के सामने अतिथि शिक्षकों ने मांग रखी थी गुरुजी की तरह की विभागीय परीक्षा लेकर इनका नियमितीकरण करेंगे, और अगर अभी नहीं कर सकते हैं तो छत्तीसगढ़ की तर्ज पर अतिथि शिक्षकों को स्थायी करेंगे। इस पर न ट्रांसफ़र न प्रमोशन से कोई भी शिक्षक ना आए जब तक इनका नियमितीकरण नहीं होता। तो सरकार ने मांगे सभी मान ली गई थी, लेकिन अभी तक पूरी नहीं की गई है। 20 तारीख तक आदेश जारी करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन 20 तारीख तक अभी तक आदेश जारी करने के निर्देश नहीं दिए गए हैं। अब 30 तारीख का अल्टीमेटम दिया गया है, 30 तक अतिथि शिक्षकों के हित में आदेश जारी होते हैं तो ठीक है, नहीं तो 10 अक्टूबर को अतिथि शिक्षक एक बड़ा आंदोलन करेंगे, उससे डबल बड़ा आंदोलन करेंगे। इन्हें अल्टीमेटम भी दिया है सरकार को, और अतिथि शिक्षकों की मांग को लेकर सरकार आनाकानी कर रही है। जो मांगे सरकार ने पूरी करने की घोषणा की थी वो पूरी नहीं की जा रही है। अतिथि शिक्षकों को प्रतिवर्ष के 10 अंक देने की बात की गई थी, लेकिन नहीं दिए गए। 5 अंक प्रतिवर्ष के जोड़े गए, अधिकतम 50 अंक जोड़े गए। तो इसको लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण खबर में विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। क्या कहना सुनील से परिहार का अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण नियुक्ति को लेकर। आप वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपडेट पाने के लिए साथियों, जैसा कि आप सबको विदित है, 10 सितंबर 2024 को आप सभी के सहयोग से हजारों अतिथि शिक्षक भोपाल की सड़कों पर उतरे थे। परिणाम स्वरूप मध्य प्रदेश सरकार ने स्कूल शिक्षा मंत्री जी और शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को अतिथि शिक्षकों के डेलीगेशन के साथ चर्चा करके सहमति बनाने के लिए बोला था। 11 सितंबर 2024 को अतिथि शिक्षकों के प्रतिनिधि मंडल के साथ शिक्षा मंत्री जी, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग और आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय महोदय की के साथ एक बैठक हुई थी। उस बैठक में हमारी ओर से उन सभी मुद्दों को हमने रखा था जो आप सभी चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के दिमाग में यह है कि भाई आपने गुरुजियों की भांति विभागीय परीक्षा छत्तीसगढ़ सरकार की तरह अतिथि शिक्षकों के लिए आदेश की बात क्यों नहीं की। भैया, सभी मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की इच्छा के अनुरूप हमने पहले नंबर पर गुरुजियों की भांति विभागीय परीक्षा लेकर नियमित करने का अनुरोध किया था। उसके विकल्प में हमने एक ऑप्शन रखा था कि यदि आज की तारीख में हम ये नहीं कर सकते, सरकार छत्तीसगढ़ सरकार की भांति एक आदेश जारी कर दे। छत्तीसगढ़ सरकार ने ये किया है, जहां पर अतिथि शिक्षक कार्यरत है उनके स्थान पर सीधी भर्ती, प्रमोशन और ट्रांसफर नहीं किया जाता। चूंकि 2 सितंबर 2023 को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अतिथि शिक्षक पंचायत आयोजित करके मंच से अतिथि शिक्षकों को अनेक सौगातें दी थी, उनमें गुरुजियों की भांति विभागीय परीक्षा, सीधी भर्ती में 50% आरक्षण और बोनस अंक और वार्षिक अनुबंध की बात कही थी। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने एक और बात महत्वपूर्ण बात कही थी कि जो अतिथि शिक्षक कार्य कर रहे हैं उनको किसी भी स्थिति में बाहर नहीं किया जाएगा। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि जिस दिन से पूर्व मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी उसके बाद हजारों अतिथि शिक्षक को सीधी भर्ती, प्रमोशन और ट्रांसफर से बाहर कर दिया गया। लगातार हम अतिथि शिक्षकों के हित में संघर्ष कर रहे हैं, लगातार हम अतिथि शिक्षकों के मुद्दे को उठा रहे हैं, और आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से नेशनल मीडिया ने अतिथि शिक्षकों के मुद्दे को जबरदस्त तरीके से उठाया है। विपक्ष भी अपनी भूमिका को लगातार उठा रहा है, उनकी भूमिका अतिथि शिक्षकों के मुद्दे पर लगातार आक्रामक बनी हुई है। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम बार बार एक ही बात कहते हैं कि सरकार इतनी आसानी से किसी के भी हित में कोई निर्णय नहीं करती। आज भी हमको ये कहा गया था कि 20 तारीख के आसपास जिन बातों पर सहमति बनी है उनके आदेश जारी कर देंगे। क्योंकि हमने 11 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अल्टीमेटम भी दिया था कि यदि 30 सितंबर 2024 तक अतिथि शिक्षकों के हित में आदेश जारी नहीं होते तो 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन मध्य प्रदेश के सभी जिलों में या भोपाल की सड़कों पर पुनः आकर फिर से दोगुनी ताकत के साथ हम रोड प्रदर्शन करेंगे। आज भी मैं आप सबके सामने इस बात को फिर पुनः बोल रहा हूं कि यदि 30 सितंबर तक हमारे हित में आदेश जारी नहीं होते, निश्चित रूप से हम सबको दोगुनी ताकत के साथ विरोध करना चाहिए। सरकार आज भी
अतिथि शिक्षकों के साथ वादा खिलाफी कर रही है। आपने देखा होगा कल बहुत सारे लोगों के लगातार वादा खिलाफी कर रही है। कल 10 अंक प्रति वर्ष के हिसाब से जोड़ दिए थे, अधिकतर 5 वर्ष के 50 अंक अतिथि शिक्षकों को दिए थे। हमारी इस बात पर सहमति बनी थी कि अतिथि शिक्षकों को 10 अंक प्रति वर्ष के हिसाब से अधिकतम 10 वर्ष के अंक देना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से कल 50 अंक जोड़े, आज फिर हटा दिए। अभी मुझे भी ये सुनने में आया है, कुछ लोगों ने हमको बताया है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी का जो लोगों ने विरोध किया और बीएमएस ने एक आपत्ति इन मांगों पर लगाई है कि हम इन मांगों से सहमत नहीं है। आप सभी जब तक अतिथि शिक्षक व्यवस्थित नहीं होंगे, जब तक अतिथि शिक्षक स्टेप बाय स्टेप आगे नहीं बढ़ेंगे, कोई भी नीति नियम अतिथि शिक्षकों के हित में नहीं बन सकता। यदि बीएमएस ने आपत्ति लगाई है तो बीएमएस वालों को भी इस चीज को समझना चाहिए, अतिथि शिक्षक आप भी हैं, और यदि आप सही समय पर सही निर्णय नहीं लेंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों का भी अहित ही होगा। आप लोगों को रोजगार मिलेगा, तब आपके परिवार का भरण पोषण संभव होगा, और आप लोगों का यदि भविष्य सुरक्षित नहीं हुआ, आप लोग नियमित नहीं हुए, तो आप ये मान लेना कि आप आपकी पीढ़ी नहीं, आपके बच्चों की और आपके माता पिता की, यानी 3 पीढ़ियां आपकी खत्म है। निश्चित रूप से हमको लड़ना पड़ेगा, और यदि ये बात सही है कि सरकार ने जिन बातों पर सहमति दी थी उनके आदेश यदि सरकार आपके हित में नहीं करती, एक एक अतिथि शिक्षक को घर से निकलना चाहिए, एक एक अतिथि शिक्षक को आक्रोशित होकर सड़कों पर प्रदर्शन करना चाहिए। यदि आज आप खुद के भविष्य के लिए नहीं लड़ोगे तो आपका भविष्य अंधकारमय है। लोग आरोप लगाते हैं, अभी हमको भी सुन के हंसी आ रही थी, कुछ लोग डाल रहे थे कि भाई सुनील परिहार और जो भी डेलीगेशन में गए थे उन्होंने 5 करोड़ रुपए ले लिए, 5 करोड़ रुपए ले लिए, सुन के हंसी आती है कभी। तो यदि ये सब हमको करना होता तो बहुत पहले ये सब लड़ाई छोड़ के जितनी ताकत के साथ, जितनी मेहनत आप लोगों के हित में करते हैं, जितना अतिथि शिक्षकों के लिए लड़ते हैं, अन्य किसी पार्टी से जुड़कर यदि हम इतनी मेहनत करते तो निश्चित रूप से आज करोड़पति होते। लेकिन आज भी सिर्फ इसलिए अतिथि शिक्षक एक स्टेप बढ़े, अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित हो, बहुत सारे लोग गालियां भी देते हैं, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है, हजारों लोग ऐसे भी हैं जो उम्र दराज हो गए हैं, ओवर एज हो गए हैं, और उनको हमसे बड़ी उम्मीद है कि यदि अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित होगा तो हम लोग ही उनका भविष्य सुरक्षित करवा पाएंगे। इसलिए उनके उनकी आंखों के आंसुओं को देखकर हम लोग लड़ते हैं, और जब तक अतिथि शिक्षक एक स्टेप नहीं बढ़ते, अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित नहीं होता, अतिथि शिक्षकों की लड़ाई जारी रहेगी किसी भी स्थिति में। अभी एक बात आई थी, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई सुनील परिहार जी कह रहे हैं कि आंदोलन सिर्फ हमने किया, अतिथि शिक्षक की जो भीड़ थी 10 तारीख का जो आंदोलन था, 10 तारीख का जो प्रदर्शन था, उस प्रदर्शन में मध्य प्रदेश के एक एक अतिथि शिक्षक का सहयोग था। मैं हृदय से प्रदेश के उन हजारों अतिथि शिक्षकों को साधुवाद देता हूं जिनके कारण हमारा जो प्रदर्शन था वो शानदार था। कुछ लोगों के दिमाग में सिर्फ ये रहता है कि हमको लाठियां खाना है, लाठी चार्ज करवाना है। यदि लाठी चार्ज ही विकल्प है तो आपके पास भी वक्त है, लेकिन लाठी चार्ज करवाने से, अव्यवस्था करवाने से अतिथि शिक्षकों को कभी लाभ नहीं होगा, इस बात को हम जानते हैं और आपको भी समझना होगा। मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूं। भरत पटेल जी, उनके साथ हजारों में लाखों की पब्लिक थी, एक दो बार उन्होंने अव्यवस्था करवा दी, पिछले 7-8 साल में एक भी अनुमति भोपाल पुलिस ने उनको नहीं दी, 7-8 साल में उनका एक भी कार्यक्रम भोपाल में नहीं हुआ। और जो विकलांग वर्ग था, 4-6 साल पहले उन्होंने भी नीलम पार्क में इसी तरीके से पुलिस प्रशासन को परेशान करके उनके साथ अभद्रता की थी, आज तक फिर से कभी भोपाल में वो नहीं घुस पाए। हम शांतिपूर्ण तरीके से शिक्षकीय मर्यादा में जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, आक्रोश व्यक्त कर सकते हैं, हमको करना चाहिए, हम निश्चित रूप से जीतेंगे। उस दिन भी बारिश हो रही थी, परिस्थितियां प्रतिकूल थी, लेकिन फिर भी आप लोग डटे रहे, अड़े रहे, आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन उसमें एक गलती हम लोगों से हुई है कि यदि जो भीड़ 2-3-4 बजे तक थी, 5 बजे तक थी, वो भीड़ यदि 9 बजे तक, कम से कम 9 बजे तक शांति से वहां बैठ जाती तो निश्चित रूप से जो आप चाह रहे थे वो भी होता। क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है आपस में टकराव की स्थिति उत्पन्न करके सरकार हमको गुमराह कर रही हो सकता है सरकार ही हमारे हित में निर्णय नहीं करना चाहती हो। इन सारी चीजों को समझना होगा, और एक ही बार बार एक ही बात हम कहते हैं कि अतिथि शिक्षकों का भला होगा तो सिर्फ अनुभव के आधार पर होगा। यदि अतिथि शिक्षकों को अनुभव के 10 वर्ष के अंक भी उनके स्कोर कार्ड में जोड़ेंगे, कोई भी पुराना साथी कभी बाहर नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। अभी भी हमने यही कहा था, वार्षिक अनुबंध की घोषणा थी सरकार की,
लेकिन उसके बाद भी माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि आपको 10 महीने का अनुबंध कर सकते हैं। हमने कहा ठीक है, अभी आप 10 महीने का अनुबंध करिए। 10 महीने का अनुबंध भी होगा तो कम से कम आप एक पीरियड के लिए सेफ हो, और 12 माह का अनुबंध करवाने में भी हमको ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन हमारे कुछ साथी सिर्फ एक वर्ग का भला चाहते हैं, वो सिर्फ पात्रता के आधार पर। भाई पात्रता पास के विरोधी नहीं है, हम भी पात्रता पास है, हमारी जो टीम है वो भी पात्रता पास है, लेकिन जो व्यक्ति जिसने आज तक कभी किसी विद्यालय में नहीं पढ़ाया है, वो व्यक्ति सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके स्कोर कार्ड बनवाता है, उसके स्कोर कार्ड में पात्रता पास के 30 अंक जुड़ जाते हैं, और जो व्यक्ति 15 साल से 18 साल से पढ़ा रहा है उसके स्कोर कार्ड में अनुभव के अधिकतम 20 अंक जुड़े। क्या आपके साथ न्याय हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि जो व्यक्ति बाहर हो गया वो फिर से कभी भी सिस्टम में नहीं आ पाएगा, और अनुभव के आपको 10 साल के यदि अंक मिलते हैं, निश्चित रूप से चाहे कितने ही पात्रता पास पा लिया जाए, कितने ही फ्रेशर आ जाए, आप सभी मेरिट में रहेंगे। यदि 10 पोस्ट भी खाली है तो जो आगे के 10 है हमेशा उनका ही नंबर आएगा। मेहमान शब्द में कोड़े करके क्या देंगे, और उससे क्या नुकसान हुआ या साथियों के लिए क्या संदेश दिया? बस शिक्षा मंत्री जी ने 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया था, मेहमान बनकर आए हो घर पर कब्जा करोगे क्या? निश्चित रूप से पूरे मध्य प्रदेश में उनके बयान के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया है। शिक्षा मंत्री जी बड़े नेता है, पहले भी हम बोल चुके हैं कि उनको उनके वक्तव्य पर पुनर्विचार करना चाहिए। अतिथि शिक्षक सिर्फ अतिथि शिक्षक नहीं है, शिक्षक गुरु होता है, और जब चाणक्य चंद्रगुप्त को विश्व विजेता बना सकता है तो हजारों शिक्षक किसी मंत्री को मंत्री पद से हटवाने में भी समय नहीं लगाएंगे, ये भी हो सकता है। लेकिन शिक्षकीय मर्यादा की वजह से हम एक सीमा तक ही विरोध करते हैं। हमने कभी नहीं कहा, हमने सिर्फ इतना कहा कि शिक्षा मंत्री जी को अतिथि शिक्षकों का अपमान नहीं करना चाहिए, उनके साथ न्याय करना चाहिए, और वर्षों से अतिथि शिक्षकों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उनका जो शोषण हो रहा है, उसको रोकना चाहिए। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं शिक्षा मंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि आपने जो बयान दिया था उसका पश्चाताप, जो बैठक में निर्णय हुए थे उनके आदेश करके, अतिथि शिक्षकों के हित में आदेश जारी करके आप कर सकते हैं। यदि आप 30 सितंबर 2024 से पहले अतिथि शिक्षकों के हित में आदेश करते हैं, निश्चित रूप से जो अतिथि शिक्षक आज आपका विरोध कर रहे हैं, वो कल आपके घर माला लेकर आपका स्वागत करने भी आएंगे। रही बात विपक्ष की, विपक्ष का काम ही है मुद्दों को उठाना, विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है, मैं विपक्ष को भी साधुवाद देता हूँ। आज भी मैंने कहा है कि भाई जब कमलनाथ जी की सरकार थी, उस समय कमलनाथ जी ने विधानसभा चुनाव से पहले वचन दिया था कि सरकार बनने के 3 महीने के अंदर आपको नियमित करेंगे, उन्होंने भी वादा खिलाफ की। ये विपक्ष उस समय यदि अतिथि शिक्षकों का साथ देता, उस समय माननीय जीतू पटवारी जी मंत्री थे, उमंग सिंगार जी मंत्री थे, ये सब उस समय जब 3 महीने 4 महीने अतिथि शिक्षक शाहजहानी पार्क में बैठे थे, उस समय आप लोगों का सहयोग मिलता, आप लोग इस मुद्दे को उठाते और बेहतर रहता। आज भी आपको यदि अतिथि शिक्षकों की याद आई तब भी दिल से आप लोगों को भी साधुवाद देता हूँ, और मध्य प्रदेश के हजारों अतिथि शिक्षकों से विनम्र आग्रह करता हूँ कि आने वाले 2 अक्टूबर को सभी अपने अपने जिले में या फिर 2-3 दिन के अंदर हम आपस में एक बैठक आयोजित करेंगे, और उसमें इस बात का निर्णय लेंगे कि 2 अक्टूबर का जो प्रदर्शन है वो मध्य प्रदेश के सभी जिलों में करना है या भोपाल में करना है। उसकी सूचना आपको 25 तारीख तक सभी को प्रेषित कर दी जाएगी। धन्यवाद।